बावल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार का चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ रहा है और इसी कड़ी में डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बावल के गढ़ी समेत कई गांवों का तूफानी दौरा किया। हर गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने डॉक्टर कृष्ण कुमार का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर कृष्ण कुमार ने अपने विरोधी प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़ी है और वो दिन अब दूर नहीं जब लोग कमल का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजय बनाकर चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि बावल क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी की कहीं कोई गिनती ही नहीं है। जनता के मिल रहे आशीर्वाद से तय हो गया है कि अब हरियाणा में लगातार तीसरी बार कमल खिलने जा रहा है। मैं जो चुनावी जनसभा में गढ़ियों में गांव में पहुंचा हूं, इससे पहले सभी ग्रामीणों में युवाओं ने ट्रैक्टर से ढोल नगाड़ों से और डीजे से मुझे गांव में लेके आए, फूल मालाओं से पगड़ी पहनने शामिल किए। और कहां कहां आज के दौरे हैं आपके? आज मेरा पहले कसौला मोड़ चढ़ी है, आगे फिर आगे निगरामपुर बास बटसाना काफ़ी गाँव में 15 गाँव में प्रस्तावित हुआ है और आखिर में 3 जनसभा में गाँव। समर्थन किस तरह का मिल रहा है? समर्थन तो आपके सामने है, सभी मेरे बुजुर्ग सभी युवा साथी बड़े उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर तीसरी बार आया। कांग्रेस प्रत्याशी किला ढहने की बात कर रहे हैं बावल के अंदर, किस तरह देखते हैं आप? नहीं, किला तो बावल भाजपा का किला ढहने नहीं, नहीं भाजपा का किला कुछ नहीं होता। भाजपा तो अपने बलबूते बोलती है तो उनके मुंह कई बातें अपने खुद की है, किसका किला ढहेंगे तो 5 तारीख बताएंगे। जिस तरीके से कला बिच्छा आए और उन्होंने संबोधन दिया क्षेत्र की जनता के लिए, तीनों सीटें मांग अपील की उन्होंने, कि किस तरह देखते हैं? उसमें तीनों प्रत्याशी तीनों विधानसभाओं से काफ़ी लोग उत्साहित थे और बड़ी सफल रही थी। क्या लगता है बावल सीट को लेकर मुकाबले में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है कांग्रेस की? देखो, विपक्ष का काम सिर्फ बयानबाजी करना होना है। मैंने पहले भी बताया हमारा मुकाबला उनसे है ही नहीं, क्योंकि जनता जनादेश वो मेरे साथ।